पंचकुला पुलिस ने पंचकुला हिंसा के मुख्य आरोपी माने जा रहे पवन इंसा के घर छापा मारा है। छापे में पवन इंसा के घर से पुलिस ने 8,7600 रुपए, एक मोबाइल और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पवन इंसा पर राम रहीम की गिरफ्तारी के वक्त हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि पवन इंसा ने इसी मोबाइल से दंगा फैलाने का आदेश दिया था। इस मामले में डेरा के पूर्व साधु गुरदास सिंह तूर और अधिवक्ता राज ठोक ने कहा कि पंचकुला हिंसा में पवन इंसा ने अहम रोल निभाया है। उन्होंने कहा कि पवन इंसा ने डेरा प्रमुख राम रहीम के इशारों पर ही हिंसा फैलाई थी, इसलिए पवन इंसा के साथ साथ राम रहीम के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पवन इंसा के घर से मोबाइल मिलना और पैसे मिलना, ये बात का संदेश देता है कि पवन इंसा एक साजिश के तहत अब तक कार्रवाई करता आ रहा है और इसी कार्रवाई के कारण इतने आदमी की डेथ हुई है। पवन इंसा अकेला नहीं है, इसको हुक्म देने वाला गुरमीत राम रहीम, जिसने ये हुक्म दिया कि गुरमीत अगर सजा होती है गुरमीत को तो इतने दंगे करने हैं, तो उसी के कारण ये इतने लोग मरे, इतनी आगजली हुई, इतने नुकसान हुआ सरकार का। सो पवन इंसा और इसके संबंधित आदित्य और सबके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी सामने आनी बाकी हैं, जो सरकार को सख्ती करके उनसे उगलवानी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अपने नाम के आगे इंसान माने इंसानियत, ये इन्होंने लगा के ये साबित करने की कोशिश की थी कि डेरा सच्चा सौदा के लोग इंसानियत के नाम पे एक नया मज़हब और एक नए धर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 25 के वर्डिक्ट के बाद डेरा सच्चा सौदा के लोगों ने पंचकुला को, सिरसा को, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न शहरों को जला के राख कर दिया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के वर्डिक्ट आने के बाद, इससे बड़ा कोई इंसानियत को शर्मसार करने वाली और कोई घटना हो नहीं सकती। और 25 के वर्डिक्ट के बाद भी माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अंदर SIT ने मामलों की जिस तरीके से गहन और गहराई से जांच करनी शुरू की है, अभी इनका एक और गुर्गा पवन इंसान, वो भी अपने नाम के आगे इंसान लगाता है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। और सुनने के अंदर ये आया है कि पुलिस ने पर्सनल सर्च के अंदर, उसकी हाउस सर्च के अंदर उसके घर से मोबाइल बरामद किया है और आपत्तिजनक चीज़ें, कुछ नकदी बरामद की गई है। तो मैं इस मामले के अंदर एज एन एडवोकेट ये कहना चाहूँगा कि ये नीरो के वंशज हैं। इन्होंने कहने को तो कोशिश तो ये की कि इंसानियत और मानव भलाई और चैरिटी के काम, लेकिन अब इनका असली चेहरा है देश और दुनिया के सामने है। और ये पवन इंसान के मामले के अंदर, हनीप्रीत के मामले के अंदर और डेरा कमेटी के जितने भी 45 सदस्य और इसके अलावा जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि ये गहन जांच का विषय है और इसे गहन जांच के अंदर लाकर एक एक डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं इन्हें बेपर्दा किया जाना चाहिए, ताकि ये नीरो के वंशज आइंदा हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर ऐसी किसी भी घटना को अंजाम ना दे सकें। आपको बता दें कि 25 अगस्त को राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला और सिरसा सहित देश के अनेक राज्यों में डेरा प्रेमियों द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें डेरे के पूर्व प्रवक्ता पवन इंसा का अहम रोल माना जा रहा है। हिंसा के 88 दिन बाद पवन इंसा को SIT ने गिरफ्तार किया था, लेकिन पवन इंसा के नजदीकी और पंचकुला के मुख्य आरोपी डॉक्टर आदित्य इंसा भी तक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।